पाकिस्तान डिटेक्टर टेक्नोलॉजीज़ की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम मैक्रो रेसिटू गोल्ड मेटल डिटेक्टर का एयर टेस्ट करेंगे। एयर टेस्ट करने से पहले मैं एक बात आपके नॉलेज में ले आऊँ, बहुत से क्लाइंट हमसे पूछते हैं कि चाइनीज़ डिटेक्टर में और ब्रांडेड डिटेक्टर में डिफरेंस क्या है। चाइनीज़ डिटेक्टर में तीन मेन ड्रॉबैक हैं। एक तो ये कि अगर पत्थर हो तो पत्थर के नीचे वो डिटेक्ट नहीं करता। सेकेंड, अगर वो डिटेक्ट करता भी है तो सम टाइम मिस कर देता है। और थर्ड ये कि डिस्क्रिमिनेशन उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सोने लोहे चांदी तांबे में ज़्यादा फ़र्क नहीं कर सकता। मैक्रो रेसिटू गोल्ड डिटेक्टर का एयर टेस्ट करने से पहले हम आपके नॉलेज में दो बातें ले आते हैं। जो डिटेक्टर का भी हम टेस्ट करेंगे, गहराई इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। कम की क्या वजह है कि अगर आपकी सॉइल हाई मिनरलाइज्ड है तो उसकी डेप्थ कम भी हो सकती है। और अगर ज़्यादा होने की डेप्थ की क्या वजह हो सकती है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अगर पुराना ज़मीन के अंदर दबा हुआ है तो इससे ज़्यादा भी डिटेक्ट कर सकता है। ये 2 रुपये का सिक्का है, बल्कि सबसे पहले मेटल रिमूव कर लेते हैं। ये 2 रुपये का सिक्का है, तेरह इंच तक डिटेक्ट कर रहे हैं। ये 5 रुपये का सिक्का है, चौदह इंच तक। ये 10 रुपये का सिक्का है, पंद्रह इंच तक। ये एक नेकलेस है पुराना, सोलह इंच तक। ये सोने की चूड़ियाँ, ये तकरीबन 24-25 इंच तक। ये कैन है, तकरीबन 28 इंच तक। ये प्लेट है, छत्तीस और 37 इंच तक। जूँ जूँ मेटल का साइज़ बड़ा होता जा रहा है, ये ज़्यादा डेप्थ से डिटेक्ट करता जा रहा है। एक तो ये भी मैटर करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट का जो जिस चीज़ से बना होता है, ख्वाब वो सोने के बना हुआ है, चांदी का बना हुआ है, तांबे का बना हुआ, जिस मेटल से बना हुआ है वो भी मैटर करता है डेप्थ के ऊपर। रेसिटू गोल्ड मेटल डिटेक्टर की फीचर्स के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिंक लगा दिया है, काइंडली वो आप वॉच कर लीजिएगा। हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और कोई भी बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।